सबसे पहले मैं तमाम प्रदेशवासियों को, तमाम देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए यकीनन ये वाली होली थोड़ी सी भावुक होली है। पहली बार है जिंदगी में जब होली पर पापा नहीं है, नहीं तो सबसे पहले उन्हीं के चरणों पे हम लोग रंग लगाते थे, और सबसे पहले अगर कोई पूरा चेहरा रंगों से भरता था तो पापा ही करते थे। होली का उनको भी बहुत शौक था, हर त्यौहार को बहुत खुशियों से मनाते थे। पर बहरहाल इतना ज़रूर जानता हूँ कि पापा जहाँ कहीं पे भी हैं अपना आशीर्वाद हम लोगों को ज़रूर दे रहे होंगे। आज इस होली के अवसर पर जहाँ तमाम प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मैं होली की शुभकामनाएं देता हूँ, वहीं मैं चाहता हूँ कि हमारा प्रदेश एक बेहतर विकसित प्रदेश बने। ना सिर्फ हमारे प्रदेश में खुशियों के रंग आए, बल्कि हर वो वर्ग, हर वो समाज जो आज़ादी के 75 साल के बाद भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, उनके संघर्ष को विराम मिले, उनके संघर्ष को सम्मान मिले। आज होली के इस अवसर पर, क्योंकि होली या ऐसा त्यौहार छुट्टी का दिन होता है, लोग परिवार के साथ मिलकर छुट्टियां मनाते हैं, खास तौर पर जो सरकारी रोजगार में होते हैं, जो कि साल दर खटकते हैं, काम करते हैं, और उसके बाद ये होली दिवाली ये दिन ऐसा होता है जब वो लोग घर वालों के साथ मनाते हैं। पर वो जितने सरकारी मुलाजिम हैं, आज इस होली के पावन अवसर पर मैं राज्य सरकार से भी मैं मांग करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से उनकी पेंशन को रोका गया है, 2004 के बाद सरकारी मुलाजिमों की पेंशन को रोक दिया गया है, मैं चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सरकार बिहार में बनती है, जो रुकी हुई पेंशन है 2004 में, मैं मानता हूँ कि एक गलत नीतिगत फैसला हुआ है और कई राज्यों ने इस फैसले को सुधारा भी है। मैं चाहता हूँ कि बिहार में भी जितने सरकारी मुलाजिम हैं उनकी पेंशन चालू की जाए। क्यों भैया सिर्फ सांसदों विधायकों को पेंशन मिले? भाई हम लोगों की पेंशन तो बंद नहीं हुई, नहीं चाहिए भैया चिराग पासवान को कोई पेंशन, पर मेरे जितने सरकारी मुलाजिम हैं जो सरकारी नौकरी में हैं, जिनको पहले पेंशन का लाभ मिलता था, उनके जीवन में कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास होता था भैया कि कम से कम उनका कार्य निवृत्त होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, कार्य से मुक्ति मिलने के बाद, कम से कम घर परिवार को चलाने के लिए पेंशन ही एकमात्र उनके पास आसरा था। पर जिस तरीके से इसको हटा दिया गया है, इस प्रावधान को निकाल दिया गया है, और उसके ऑल्टरनेटिव जितनी स्कीम्स आई हैं, नेशनल पेंशन स्कीम करके जितनी भी योजनाएं आई हैं, पर वो उस तरीके से अपनी पकड़ नहीं बना पाई जिस तरीके से 2000 पहले से जितने लोग नौकरी में थे उनको इसका लाभ मिलता था। तो आज होली के इस अवसर पर मैं साथ में युवाओं की अक्सर बात करता हूँ, महिलाओं की मैं अक्सर बात करता हूँ, पर आज मैं तमाम अपने उन सरकारी मुलाजिमों की भी बात करना चाहता हूँ कि आने वाला समय, होली का त्यौहार उनके लिए ये सुरक्षा का भाव लेकर आए कि नौकरी के बाद उनकी जो पेंशन है, और ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सरकार में आते ही हम लोग इसका फैसला लेंगे, युवाओं का जीवन बेहतर हो, अपने ही प्रदेश में उनको रोजगार शिक्षा के अवसर मिले, बुजुर्गों का सम्मान प्रदेश में बढ़े, उनकी स्वास्थ्य की चिंता उसमें समाधान हो, इन तमाम उम्मीदों के साथ मैं इस होली के पर्व का स्वागत करता हूँ और तमाम प्रदेशवासियों को आने वाली होली की और होली के बाद के साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ।